Very good, very good. हम दे दिया हम तुम्हारे साथ मेरा मिलने कैसा हो मुफ्ती साहब कैसा हो हमारा मिलने कैसा हो मुफ्ती साहब कैसा हो लो इनकी आवाज इनकी तकलीफात जितने भी यहाँ सरपंच हजरत ने तशरीफ फरमा के अपने बयान किया आपने अपने एरिया का और बाकी भी जिन कांग्रेस के लीडर और साथियों ने यहाँ पे बयान किया गवर्नमेंट की कमजोरियाँ बयान की तकलीफात बयान किए डेवलपमेंट के मुतालिक बयान बातें की बिजली के मुतालिक बातें बयान की पानी के मुतालिक बयान किया मनरेगा के बाद बयान किया या बहुत सारे मुश्किलात जितने भी आप लोगों को इस कहरा बलात में थे आपने फर्दन फर्दन लगभग पूरी नुमाइंदगी जोड़ा कला से लेकर हलारत से लेकर बाथरी से लेकर ये कहरा और पूरी तमाम पंचायतें जितनी भी हैं उनकी नुमाइंदगी आपने की और आपने हर पंचायत के बारे में यहाँ पे इजहार किया कि हमें क्या क्या मुश्किलात हैं क्या क्या परेशानियाँ हैं कौन से मसाइल गवर्नमेंट कहती क्या है और करते क्या है उनके मुलाजिम नीचे क्या करते हैं वर्ष करप्शन आसमान पे पहुंची है महंगाई आसमान पे पहुंची है जो आज प्याज का रेट 150 रुपये किलो पहुंचा है तो बाकी की बात ही नहीं आटे चावल की बात ही नहीं दिनों में तब्दील हो गए हैं पानी की बात करें तो हंगामा है बिजली की बात करें तो परेशानी है किराए की बात करें तो आसमान छू रहा है नौकरी की बात करें नामो निशान नहीं है माजे की बात करें सवाल पैदा नहीं है डेवलपमेंट की बात करें कोई कहने की बात नहीं है कोई भी डेवलपमेंट होने नहीं पा रही है दावे सारे गलत दावे सारे बेबुनियाद तमाम बातें बेबुनियाद सिर्फ दिल्ली से ही फरमान होता है मस्जिद और मंदिर की लड़ाई मुसलमान और हिंदू की लड़ाई से की लड़ाई आपसे से आज कहरा जो ब्लॉक हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट डोडा का यहाँ एक पब्लिक दरबार आम लोगों का सरपंचेस पंचेस और जीशूर लोग जो इस पूरा ब्लॉक के हैं जोड़ा हलारत से लेकर बाथरी तक और कहरा ये सारी पंचायती टांटा बटोगड़ा द्रमन ये जो कैंचा बेतोला मनानू गुगाड़ा गोयला बाथरी की तमाम पंचायतें द्रोट और नागनी की पंचायत बटोगड़ी की बटोगड़ा की पंचायत सब पंचायतों के लोग 15 पंचायतों के लोग यहाँ पे जमा हैं यार यही फैसला किया कि जो मुश्किलात इनके हैं इन मुश्किलातों को सुन के गवर्नमेंट के पास पहुँचाई जाए सबसे पहले यहाँ पे जो MG नरेगा में धांधलियाँ है प्लान जो है 100 डेज का महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है और अगर एक्ट है 100 डेज का रोजगार लोगों को देना DC डोडा ACD डोडा एडमिनिस्ट्रेशन डोडा अभी तक 19-20 का टोटल 28% और कई पंचायतों में 47% का प्लान अप्रूव किया है लोगों ने अभी उसकी डिमांडें तक नहीं दी है लिहाजा ये 100 डेज पूरा करने के लिए जो फाइल DC के पास पड़ी है हमें मालूम नहीं है वजूहात क्या है वो बाकी प्लान अप्रूव क्यों नहीं कर रहे हैं फौरी तौर पे वो प्लान अप्रूव होना चाहिए दूसरी आइटम PMAY जैसे लोगों ने बताया उसका शोषा जो है वो कई बहुत सारे लोग जो सेक्स लिस्ट में हैं उनको एक किस्त पड़ी बाकी किस्त नहीं पड़ रही है कई लोगों को अभी एक पहली किस्त भी नहीं पड़ी है आवास प्लस उसी का जो लोग रह गए हैं सेंसस में आवास प्लस नेट न चलने की वजह से 50% लोग रह गए हैं लिहाजा उसको दोबारा PDO से सरपंचेस से मेम्बरान से लिस्ट ली जाए ताकि वो उनको आवास प्लस की जो मकान है मकान हाउसलेस है उनकी जियो टैगिंग करके ताकि उन लोगों को भी PMAY के जिमरे में लाया जाए यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल है यहाँ PHC का हॉस्पिटल है मलानू
डॉक्टर 8 काम है यहाँ पे, यहाँ पे इसके साथ साथ जो सब सेंटर है दवाइयां नहीं है वहां पे, कंप्यूटर नहीं है वहां पे, FMPIW लगाए हैं महीने में 4 दिन हाजिरी, उसके साथ साथ राशन कार्ड लोगों को अभी ये सरकार पिछले 5 सालों में नहीं दिया, लोगों को पता नहीं कौन IHL है, कौन अंत्योदय है, कौन अन्नपूर्णा है, किसी को कोई खबर नहीं। और खान और लोगों को कम से कम अंत्योदय को जैसे सैंक्शन हुआ है उसी तरह से BPL वालों को भी कार्ड मंजूर होना चाहिए, और साथ में गोल्डन कार्ड जो बनाया गया, एक पंचायत में 10 लोगों को, बाकी किसी को नहीं, उसकी दोबारा सर्वे की जानी चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से काम है, उनके भी गोल्डन कार्ड बनने लाजमी है। और इसके साथ अगर शिवालिक कंपनी को बिजली का काम दिया गया RJJY दीनदयाल का, वो अभी तक ब्लॉक कार्य में शुरू नहीं हुआ है, जबकि मार्च में उनने काम अपना शुरू खत्म करना है। यहाँ राटन पोल लगे हैं, बोलू के साथ तार लगी है और कांटेदार तार लगी है, 70% HT-LT का नुकसान है, लिहाजा उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इसके साथ साथ रिसर्विंग स्टेशन यहाँ जो है सेंक्शन हुआ है उसका काम शुरू होना चाहिए, तहसील कॉम्प्लेक्स यहाँ जमीन अवेलेबल है उसको ट्रिपल स्टोरी बनाना चाहिए, उसके साथ साथ यहाँ फ्लड कंट्रोल का जो है जबरदस्त नुकसान है, पूरा बासी से लेकर गारा तक दोनों नालों में फ्लड कंट्रोल का प्रोजेक्ट बनना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे गांव जो जल जीवन योजना के तहत हर घर में पानी देना है, यहाँ JEE आए, AEE आए, गांव-गांव में जलाए और वहाँ पे अपना DPR जो है इस पूरे ब्लॉक की, ठाठरी ब्लॉक, कारा ब्लॉक, बटियास ब्लॉक, इन पूरे ब्लॉकों की मुरतब करके गवर्नमेंट को दे कि लोग पानी 10-10 किलोमीटर से रूल है। यहाँ कन्नू का गांव एक है बगैर पानी के है, और बन्नी का गांव है बगैर पानी के है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो पानी के बगैर है, उनकी DPR यहाँ पे बननी चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ जो PM किसान का मसला है, पिक एंड चूज करके लोगों को पैसा दिया जाता है, लिहाजा उसके लिए भी उनके फार्म भरे जो भरे हैं सब लोगों को वो पैसा जो है मिलना चाहिए। और साथ में यहाँ डिपू जो है बहुत जगहों में जरूरत है, द्रमन में जरूरत है, बन्नी में जरूरत है, गऊ कन्नू में जरूरत है, और बहुत सरापनी में जरूरत है, बटोकड़ा कंसू पंचायत में जरूरत है, और जो जो जगह जरूरत है 2 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस जहाँ पे है उन जगहों को डिपू नए स्टोर खोलने चाहिए, और साथ यहाँ कारा में स्टोर बिल्डिंग की अजस्त जरूरत है, जहाँ की स्टोर डैम्प पानी हो, ये जो खुराक जो है फूड ग्रेन जो है वो डैम्प हो जाए, और बड़ी डिमांड जो लोगों की यहाँ पे है वो कॉलेज मलानू की है, वो फौरी तौर पे सैंक्शन किया जाए। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। सारा कुछ हार्वेस्टिंग थे।